Good morning, students. Welcome back again in our video session. Okay. Now this is your okay. Now I expect that you all are well, well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay. Now as we are moving at the last chapter for the revision for term one. Okay. So today we are going to start our chapter number 16. That was water, a precious resource. ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 16 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर अप्रिशियस रिसोर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सी एज पर द नेम हैज बीन गिवन टू इट दैट वाज अ प्रीशियस रिसोर्स, मतलब वाटर को आपने एक प्रीशियस रिसोर्स माना है। व्हाई द नेम प्रीशियस हैज बीन गिवन टू इट, व्हाई द नेम प्रीशियस हैज बीन गिवन टू इट, प्रीशियस नाम क्यों दिया हम लोगों ने? बिकॉज क्योंकि वाटर का आप कभी भी इम्पॉर्टेंस अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सपेक्ट और टू इमेजिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में आप एक्सपेक्ट ना कर पाओ, देन डैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रीशियस। ओके, मतलब विदाउट फूड आप थोड़ी देर तक रह सकते हो, बट विदाउट वाटर किसी भी ह्यूमन बींग का या किसी भी एनिमल का हमारे अर्थ पे विदाउट वाटर सर्वाइव करना ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन प्रीशियस। ठीक है बच्चों, चलो अब इस चैप्टर के अंदर की कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर। हमारे अर्थ पे हमारे बायोस्फेयर पे, ओके, आवर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द बायोस्फेयर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? बायो मीन्स लाइफ, स्फेयर मीन्स प्लेस, मीन्स द प्लेस वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसको मैं क्या बोलूँगा? बायोस्फेयर। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली में एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो उसको मैं क्या बोलूँगा? बायोस्फेयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फेयर मीन्स प्लेस। ओके, सो द प्लेस वेयर द लाइफ इज पॉसिबल, That place will be called as a biosphere. Okay. Now, as far as the biosphere is concerned, जहाँ तक मैं अर्थ की बात करूँ तो हमारे अर्थ पे वाटर के तीन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल्स वी ऑल नो अवेलेबल। सॉलिड, दैट वॉज द आइस। ओके, अ लॉट ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज अवेलेबल नियर द पोल्स, एट द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ बोथ। ओके, वेयर द सनलाइट इज नॉट स्ट्रेट, that's why the temperature is very very low. This is the reason कि whatever the water which was available in the atmosphere, that water will get condensed and it will convert itself into the solid form. ठीक है ना, so that was the solid. Then after liquid, we all know very well liquid form, ये वो form है जो दिन रात आप use करते हो। ठीक है ना, gaseous form, water exists in the form of water vapor. ओके, जब कभी भी आप वाटर को हीट करते हो या किसी भी नेचुरल एक्टिविटी की वजह से या किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर वाटर हीट होता है और हीट होने की वजह से वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। ओके, तो जब कभी भी आप वाटर को उसके लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को जब कभी भी आप हीट करोगे तो अपने आप को गैशियस फॉर्म में चेंज करेगा, डैट वॉज द वाटर वेपर। ओके, सो वाटर वेपर इज द गैशियस फॉर्म ऑफ द वाटर। ओके, सो बेसिकली अगर मैं फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात करूं कि हाँ भाई वाटर जो है वो हमारे अर्थ पे कितने फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, दैट वाज द थ्री फॉर्म्स। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। ओके ओके बच्चों, नाउ सी अपार्ट फ्रॉम इट यूजेस ऑफ द वाटर, डे टू डे लाइफ में हम अपने वाटर के कितने सारे यूजेस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आप वाटर का यूज करते हो। फर्स्ट नंबर, दैट वॉज एग्रीकल्चरल। एज यू ऑल नो कि हमारे देश में 60% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, मतलब वो लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं बाय द एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हिंदी में उसको बोलते हैं कृषि प्रधान देश। ठीक है, मतलब एक ऐसा देश जहाँ का मोर देन 60% पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर इज द फील्ड वेयर वी आर यूजिंग द वाटर एंड द यूज ऑफ वाटर इन द एग्रीकल्चर शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइसली। ओके, मतलब इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आपके घर में मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा पानी की अगर आप सेविंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर में वाटर की जितनी डिमांड होती है उसको आप सेव करने के लिए कई तरह के मेथड्स को आप अडॉप्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर बाय द प्लांट। एग्रीकल्चरल फील्ड में जितने भी प्लांट्स होते हैं उस प्लांट में वाटर की डिमांड को आप कभी भी कम नहीं कर पाओगे। आप एक काम ये कर सकते हो कि जो पानी की बर्बादी हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आप उसकी सेविंग कर सकते हो, वाटर की सेविंग कर सकते हो। देखो बेसिकली यहाँ पर यूजेज ऑफ वाटर में जो सबसे पहले नंबर है डेट वॉज द एग्रीकल्चरल, ओके इट्स इट प्लेज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके ऑल द फूड आइटम्स विच वी आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ओके दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर। नॉट ओनली दिस बट द क्लोथ्स, द फाइबर ऑफ द क्लोथ्स दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट, दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कमिंग अल्टीमेटली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ओके नेक्स्ट नंबर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब आप घरों में वो पानी का कितना यूज़ करते हो, नहाने के लिए और कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बेदिंग के लिए, ठीक है ना, वॉशिंग के लिए, इन सभी कामों के लिए आप घरों में कितना कितना यूज़ करते हो, तो उसको अगर आप थोड़ा सा कम करो देन वी कैन सेव। ये जो डोमेस्टिक वाला यूज़ हो गया इंडस्ट्रियल। अब बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 16 का ये, चलो ये तो एक रिविजन वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो एक वीडियो मैंने आप लोग को बना के भेजा था उसमें मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इंडस्ट्रीज में वाटर के यूज़ को हम कभी कम कर पाएंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा ब्रांच है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े लेवल पे जॉब जनरेट होती है। आप देख रहे हो कि आज पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है वो जॉब जनरेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन सभी देशों का बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसे में कोई भी ऐसा फील्ड जो कई लोगों को जॉब देता हो, अब ऐसे फील्ड को बंद करना किसी एक कॉज के लिए ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, ठीक है। अब देखो जहाँ तक आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में दो तरह के बेनिफिट होते हैं। पहली चीज़ तो आप अपनी डेली लाइफ में जितने भी सामान यूज़ करते हो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें ओके कहाँ से बनती हैं, इंडस्ट्रीज से बनती हैं। सेकेंड नंबर, गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टैक्स मिलता है। थर्ड नंबर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इन तीन तरह की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला सेक्टर डेट वॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ना। केवल उसको वाटर के स्कैसिटी के लिए बंद कर देना या उसको रिस्ट्रिक्ट करना ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन होता है, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो इस तरह का कोई डिसीजन ले, ठीक है बच्चों। तो देखो बेसिकली ये तीन तरह के फील्ड्स हैं जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर डेट वॉज द एग्रीकल्चर, सेकेंड नंबर डेट वॉज डोमेस्टिक, थर्ड नंबर डेट वॉज द इंडस्ट्रियल। ओके नाउ सी द सोर्सेज ऑफ वाटर, अल्टीमेटली में हमारे अर्थ पे वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो पुराने वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे अर्थ का मोर देन 70% ऑफ वाटर, मोर देन 70% ऑफ द अर्थ हैज बीन कवर्ड बाय द वाटर, बट डैट वाटर इज नॉट ऑफ आवर यूज, उस वाटर का हमें कोई यूज नहीं है। ओके यहाँ तक कि हमें तो छोड़ो, हमारे अलावा जितने भी और एनिमल्स हैं हमारे अर्थ पे, यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, वो भी इस 70% ऑफ वाटर का यूज नहीं करते हैं। हाँ वो एनिमल्स जो ओशन में रहते हैं वो उसका यूज करेंगे, लेकिन वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, रिवर में रहते हैं, ठीक है ना, हवा में रहते हैं, ये एनिमल्स कभी भी बहुत ज़्यादा सी वाटर का या ओशन वाटर का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर जिसका अमाउंट पहले से हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा कम है उसके ऊपर डे बाय डे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। किसका प्रेशर, एग्रीकल्चर का, डोमेस्टिक का, दिन पर दिन घर बन रहे हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज बढ़ रही हैं, तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज बढ़ेंगी तो फैमिलीज़ की वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है ना। फैमिलीज जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतना ज़्यादा उनका फूड का डिमांड होगा, तो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली में आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, डेट वॉज द एग्रीकल्चर। ओके
और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी। डेट वॉज द इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो देखो सोर्सेस ऑफ वाटर, बेसिकली हमारे अर्थ पे सोर्सेस ऑफ वाटर कौन कौन से हैं। यहाँ पर सोर्सेस ऑफ वाटर बोलने का मतलब है सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर कौन कौन सा है? फर्स्ट नंबर डेट वॉज द सर्फेस वाटर। अगर आप सर्फेस वाटर की बात करते हो तो सर्फेस वाटर में रेन वाटर आता है। रेन वाटर, वी आर गेटिंग द बूम फ्रॉम द गॉड एज अ रेन। क्योंकि देखो बच्चों, बारिश का जो पानी होता है वो पानी कहाँ से बनता है? वाटर वेपर से। और वाटर वेपर कहाँ से बनता है? फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मतलब वाटर के साथ कुछ और मिक्स था या फिर वाटर के साथ कुछ इम्प्यूरिटीज मिक्स होंगी। इन दैट कंडीशन, बिकॉज ऑफ समर सीजन, उस सॉल्यूशन का केवल वाटर, प्योर वाटर इवापोरेट हुआ, और इवापोरेट होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आज नीचे गिर रहा है। तो वो जो प्रोसेस थी, जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होने के बाद कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद वापस नीचे गिर रहा है, इसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, मैंने कोई एनर्जी यूज नहीं की। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस की वजह से वो पानी जो मेरे लिए इम्प्योर था, जबकि मेरे लिए फिट नहीं था ह्यूमन बींग्स के कंजप्शन के लिए या फिर किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंजप्शन के लिए जो पानी ठीक नहीं था, अल्टीमेटली वो पानी आज मुझे फिट फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन करने के बाद उस पानी को मैं आराम से यूज कर सकता हूँ। ओके, तो रेन वाटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द बून फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल्स। ओके, रिवर एंड द लेक वाटर। रिवर, भाई रिवर्स के पास तो अपना खुद का एक सोर्स होता है। इसके अलावा जो लेक्स होते हैं, लेक को रिचार्ज कौन करेगा? दैट वाज द रेन वाटर, क्योंकि लेक्स के पास अपना खुद का कोई सोर्स नहीं होता। ठीक है, पॉन्ड्स, आप चाहो तो यहाँ पे पॉन्ड्स भी लिख सकते हो। और देखो मैंने लास्ट में एक लिख दिया है सी एंड द ओशन वाटर, क्योंकि अल्टीमेटली में सी और ओशन में भी हमारे अर्थ पे रहने वाले कई एनिमल्स और कई तरह के प्लांट्स ओशन और सी में भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने लिख दिया है कि सी एंड द ओशन वाटर। तो अल्टीमेटली में ये आप जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स देख रहे हो, दैट वाज द रेन वाटर, रिवर एंड द लेक वाटर, ओके, सी एंड द ओशन वाटर, दे ऑल आर द सर्फेस वाटर। ये सारे के सारे हमारे अर्थ के सर्फेस में मिलते हैं। इसके अलावा, सर्फेस वाटर के अलावा एक और सोर्स है, दैट वाज द अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जिसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बोरवेल करना पड़ता है, आपको वेल खोदना पड़ता है, कुआं खोदना पड़ता है। ठीक है, आपको अंदर तक बोर करना पड़ता है। बोर करने के बाद आप उसमें मशीन फिट करते हो, मशीन फिट करने के बाद फिर आप उस पानी को बाहर निकालते हो। दैट वॉज द अंडरग्राउंड वाटर। देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मार्कर मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा तो है, लेकिन शायद हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा हो अच्छे से। ओके, तो आप लोग घबराना मत, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों को आप लोग सुनो। ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसके फाइन, आई बिलीव कि आप सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, और टेक्स्ट बुक के साथ अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो सकता है शायद आप लोगों में से कई लोग दिखाई ना दे रहा हो, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं देख के पढ़ रहा हूँ उसको, आप लोग एक बार समझ लो। ठीक है, और समझने के बाद आप एक बार अपनी बुक से रिवाइज करना, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है बच्चों, ये तो थे आपके दो सोर्स, दैट वॉज द सोर्सेस ऑफ वाटर। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट वॉज द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द इंडिया, मतलब हमारे भारत में वाटर का नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब देखो, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करते हो तो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? दैट वॉज द रेन वाटर। ठीक है ना, क्योंकि भाई पॉन्ड कई जगह पे हैं, हमारे अर्थ पे कई तरह के फॉरेस्ट हैं, ओके, कई तरह के ज्योग्राफिकली लोकेटेड एरियाज हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स आज तक नहीं गए हैं। हो सकता है शायद हमारे अर्थ पे कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर ह्यूमन बींग्स आज तक नहीं गए हैं, तो वहाँ के पॉन्ड को, वहाँ पर अगर कोई पॉन्ड है, कोई लेक्स है, अगर वहाँ पर कोई एनिमल्स रहते हैं, तो उन एनिमल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, वाटर की डिमांड फुलफिल करने के लिए पॉन्ड या लेक्स तो होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली में इन सबको चार्ज करने वाला जो फैक्टर है, दैट वॉज द रेन वाटर। ठीक है, तो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द इंडिया। देखो बच्चों, ये टॉपिक में बेसिकली आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बेसिकली आप लोगों को ये समझाया हुआ है कि हमारे देश में दो तरह की फसलें होती हैं, और दोनों तरह की फसलों को, उसमें एक फसल होती है डेट वॉज द खरीफ की फसल, जिसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है,
और रबी की फसल को बहुत ज़्यादा वाटर की डिमांड की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, तो हमारे भारत में वाटर के नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करने वाला फैक्टर जो है, डेट वॉज द विंड पैटर्न्स। हमारे अर्थ पे जो विंड पैटर्न्स हैं, वो विंड पैटर्न्स ही डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली में क्लाउड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, और जहाँ पे क्लाउड जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिक रेन वाटर आएगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, स्कैसिटी ऑफ वाटर। अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो नीड नॉट टू बी वरी, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको सुनो। स्कैसिटी ऑफ द वाटर, देखो स्कैसिटी ऑफ द वाटर का मतलब क्या होता है, पानी की कमी हो जाना। मतलब हमारे अर्थ पे वाटर की कमी क्यों है, देखो सबसे पहला रीजन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वी शुड पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कपल, देन एंड देन आई थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू allow our children to use the resources of the country, because as far as the citizens are concerned, okay, as far as the government is concerned, citizens are concerned, government हर आदमी को एक नज़र से देखती है, ठीक है। लेकिन this is not justified कि कोई किसी family के एक number of children ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा resources को use करें, और एक number of families के बच्चे कम हैं तो वो कम resources को use करें। नहीं, resources हम सबके लिए हैं और गवर्नमेंट हम सबको प्रोवाइड भी करती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रिसोर्सेज हमें क्या, सिर्फ हम भाई हम क्या चाहते हैं, सारे के सारे संसाधन जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, क्या सब कुछ हम यूज़ कर लें और हमारी आने वाली जनरेशन के पास कुछ भी ना रहे, क्या हम ये चाहते हैं। और अगर नहीं तो हमें खुद को समझाना होगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को हमें फिक्स करना होगा, डेट वॉज द पर कपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी फिक्स, ठीक है। That was increasing population. Next number, increasing industries. Industries day by day बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमें number of people को ज़्यादा से ज़्यादा job देनी है, और job create करने वाला जो सबसे भरोसेमंद, जो सबसे ज़्यादा faithful sector है, that was the industries, ठीक है ना। Agricultural activities, बिल्कुल सही बात है भाई, population अगर बढ़ रहा है तो number of people की जो food की demand होगी वो भी day by day बढ़ेगी। अगर food की demand बढ़ेगी तो number of plants जो आप एग्रीकल्चरल फील्ड पे लगा रहे हो, वो नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा लगाओगे। जो फार्मर होगा वो नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा लगाएगा। अगर नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो उन ज़्यादा प्लांट्स को प्रोवाइड करने के लिए वाटर भी हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो डेट वॉज द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। फोर्थ नंबर, डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, आजकल हम फॉरेस्ट तो लगाते नहीं हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट पहले से बने हुए हैं उनको हम काट देते हैं, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। हमारे पास अर्थ पे जितना लैंड, ओपन लैंड अवेलेबल है, पहले हमें उस लैंड पे कोशिश करनी चाहिए कैप्चर करने के लिए, अपना काम करने के लिए। देखो ह्यूमन बीइंग्स के बेनिफिट के लिए या फिर मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए सबसे पहले जंगल को काट दो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल अल्टीमेटली में है हमारे लिए। जंगल को हमने नाम दिया है द लंग्स ऑफ अर्थ, हमारे बायोस्फीयर का वो लंग्स है, ठीक है ना। जो हम जो गैस बाहर निकालते हैं CO2, उस गैस को वो ले लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है, वो गैस हम लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिविंग बीइंग बने रहने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले है, तो डीफॉरेस्टेशन हमें नहीं करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ सम ऑफ द वेरी स्मॉल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, डेट वॉज अनकंट्रोल्ड बोरवेल। देखो बच्चों, बोरवेल से जुड़ा हुआ कई तरह के नियम गवर्नमेंट लाती है, कई बार कई तरह के रूल्स बनाती है, बट वी शुड बिकम सम, हमें अपने अंदर थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी डेवलप करनी चाहिए कि आखिर बोरवेल के ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है तो आखिर गवर्नमेंट को वो लॉ बनाने से क्या मिल जाएगा। गवर्नमेंट लॉ बनाती है हमारे लिए, हमारे और आपके लिए, ताकि थोड़ा बहुत उसके ऊपर कंट्रोल रहे, ठीक है ना। तो इन रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है, और लोगों को और ज़्यादा हमें जागरूक करने की ज़रूरत है कि अगर आप बोरवेल करवाते हो, ठीक है। चलो अभी गुजरात में तो उतना ज़्यादा कुछ खास अभी तक नहीं है, लेकिन जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आपको बोरवेल करवाना है, ठीक है ना, ज़मीन आपकी है, घर आपका है, लेकिन अगर आप बोरवेल करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है उससे आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं बोरवेल करवाऊँ या फिर ना करवाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई उसका एक कंट्रोल होना चाहिए कि कितने लोग कितना पानी निकाल रहे हैं,
इसका पूरा हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई ये हमारे पास राइट रहे, हमें कब बोरवेल करवाना है, कितना करवाना है, ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर किसी तरह का गवर्नमेंट लॉ ना बनाए, अगर हम ये चाहते हैं तो हमें खुद से अपने अंदर डिसिप्लिन, हमको खुद को डिसिप्लिन मैनर में रखना होगा, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें खुद से अपने ऊपर लाने होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर देखिए, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ऑलरेडी हमारे अर्थ पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ जो नदी का पानी होता है, डेट वॉज द रेन वाटर, ठीक है, वो पॉन्ड है, लेक्स है, ओके। तो इन सब का जो वाटर है वो ऑलरेडी फ्रेश वाटर में, फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब देखिए, जैसे घरों से निकलने वाला जो सीवेज है, अगर आप उसको किसी वाटर सोर्स में डंप करते हो तो पूरे के पूरे वाटर को वो पॉल्यूट कर देगा। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीवेज कैन पॉल्यूट अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दिस विल नॉट बी गुड फॉर एनीवन, इवन फॉर द बायोटिक एनिमल्स, दोज हू आर लिविंग इन द वाटर, ठीक है। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए, ओके। तो पॉल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर को भी हमें रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर, फ्लेक्सिबल रूल फॉर द वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जितने भी रूल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ हम उसको फॉलो नहीं करवाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स, ओके। तो यहाँ पर बच्चों ये कुल मिलाकर के 7 रीजंस हैं। फर्स्ट नंबर, डेट वॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सेकेंड नंबर, डेट वॉज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड नंबर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फोर्थ नंबर, डिफॉरेस्टेशन। फिफ्थ नंबर, अनकंट्रोल्ड बोरवेल। सिक्स नंबर, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। सेवन नंबर, फ्लेक्सिबल रूल फॉर द वाटर कंजर्वेशन। तो ये कुछ 7 तरह के रीजंस हैं, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक लास्ट टॉपिक बच जाता है आप लोगों का, डेट वॉज वाटर कंजर्वेशन, कि अगर आप वाटर को कंजर्व करना चाहते हो तो आपको क्या स्टेप्स करने चाहिए, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फर्स्ट नंबर, फिक्स ड्रिपिंग टैप्स। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो भी टैप्स वगैरह हैं, मतलब जब आप टैप्स को लगवाते हो तब तो वो अच्छा था, 1 साल तक 2 साल तक बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद उसका जो वाशर है या फिर अंदर के जो ट्यूब्स हैं जो अल्टीमेटली में पानी को नीचे आने से रोकते हैं, उन ट्यूब्स के लगातार यूज़ होने की वजह से वो ट्यूब्स में हल्की हल्की दरारें आ जाती हैं, जिसकी वजह से पानी वहाँ से रिसना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, और वो ड्रिपिंग के फॉर्म्स में टैप से लगातार गिरता रहता है। दिस इज नॉट गुड। वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द ड्रिपिंग ऑफ टैप्स, ओके। अगर आप कभी ये देखना चाहते हो, मतलब हमें सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई ड्रिपिंग टैप से बहुत ज़्यादा वाटर कहाँ वेस्ट होता है, लेकिन आप कभी एक आध बाल्टी लगा के देखना कि वो बाल्टी, मैंने तो ऐसे ऐसे नल देखे हैं जहाँ से वाटर बहुत स्पीड से नीचे गिरता है, लेकिन गिरने वाला वाटर का अमाउंट काफ़ी कम होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ओवरऑल वाटर कितना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप कभी एक आध बकेट लगा के देखना, वहाँ पे आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा बकेट भर जाएगा। देन यू कैन इमेजिन कि भाई 1 घंटे में अगर 1 बकेट पानी वेस्ट होता है तो रोज़ के रोज़ 24 बाल्टी पानी उस ड्रिपिंग टैप्स की वजह से वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं जो आप लगा सकते हो, उसका ड्रिपिंग टैप्स को रिमूव करना, ड्रिपिंग टैप्स को उसके ऊपर कंट्रोल लाना कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसे अगर आप जानना चाहते हो तो आप एक अंदाज़ा ले सकते हो फ्रॉम द ड्रिपिंग टैप्स। तो हमें कभी भी घरों में जो टैप्स वगैरह है उसके ड्रिपिंग नेचर को फिक्स कर देना चाहिए, ओके, फिक्स करके रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल मेथड्स। देखो, पुराने ज़माने में जो एग्रीकल्चरल मेथड्स थे कि भाई जो पानी का सोर्स है वो कहीं और है, ओके, और वहाँ से चैनल्स के थ्रू पानी आता था, और जो चैनल्स में आप किसी भी तरह के पाइप का यूज़ नहीं करते थे, उसमें क्या होता था कि पूरे रास्ते भर वो पानी एब्जॉर्ब होता हुआ आता था, मतलब वहाँ से पानी निकलता था बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्रीकल्चरल फील्ड पर जो पानी पहुँचता था वो काफ़ी कम पहुँचता था। इसके लिए फिर ड्रिप इरीगेशन और कई तरह के इरीगेशन मेथड्स को लाया गया, जिससे कि एग्रीकल्चर का अमाउंट भी बढ़ गया और एग्रीकल्चर के लिए जहाँ हम जितने पानी का यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ भी आधा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेन वाटर इज अ टाइप ऑफ द बून विच वॉज गिवन बाय द गॉड टू ऑल ऑफ अस, ओके, दिस इज दैट इज द वाटर विच इज फिट फॉर द कंजप्शन, जो हमारे कंजप्शन के लिए काफ़ी सही है। उसमें आपको बहुत कम प्रोसेस करनी पड़ेगी उसको प्योर बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली में स्काई में जो वाटर गया था वाटर वेपर के फॉर्म में, डैट वॉज द प्योर फॉर्म, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स के होने की वजह से जब वो रेन में कन्वर्ट होकर नीचे गिरेगा तो रास्ते में पॉल्यूट हो जाएगा, और उस पॉल्यूटेंट्स को आपको अलग करना है, ठीक है ना। तो दैट वॉज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटा सा बच्चों एक रिवीजन वीडियो मैंने तैयार किया था चैप्टर नंबर 16 का, ठीक है। आई बिलीव कि आप लोगों के पूरा पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। और अभी के अभी आप लोग अपना टाइम निकालिए और चैप्टर नंबर 16 अभी इसी वक्त, अगर कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है तो ठीक है, अदरवाइज अभी के अभी आप बुक निकालिए उसको पढ़ना शुरू कीजिए, ओके। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, अगर अभी के अभी आप बैठ के पढ़ोगे द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू वेरी वेरी गुड, ठीक है बच्चों, ओके। वंस मोर, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड, बी हैप्पी एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, ओके ओके बच्चे, थैंक यू।